वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने एक मौलाना साहब का ये कलेब तो सुन लिया है, कि आपको मालूम है ये मौलाना साहब कौन से मसला के साथ ताल्लुक़ रखते हैं? जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने बड़े बड़े उलमा को सुना होगा, लेकिन इन मौलाना साहब को देख कर मैं तो ये कहता हूँ आपका वज़ू भी टूट गया होगा। खुदारा जिस भी मसला के साथ ये मसला के अहले सुन्नत यानी बरेलवी अपने आप को कहलवाते हैं, लेकिन याद रखिएगा इनका जो अंदाज़े बयां है ऐसा जलाली बयां इतनी नहीं होना चाहिए। चीखने चिल्लाने से इंसान मुतासिर नहीं होता। अगर चीखने चिल्लाने से अवाम मुतासिर होता तो दुनिया में बड़े बड़े जनाबे वाला फ़नी उलमा पड़े हैं। लेकिन अगर उलमाए किराम अपनी ज़ुबान और अपने लफ्ज़ के चुनाव की वजह से अवाम को मुतासिर करना चाहे तो इंसान के लिए, आलम दीन के लिए, ख़तीब के लिए कोई भी मुश्किल वाला काम नहीं है। इंडिया के इस आलम दीन यानी मौलाना ख़तीब जिसका नाम है, इन्होंने जो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है खिताबत के अंदर, याद रखिएगा इस तरह के अंदाज़ को लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं और लोग जो है निशाना बना देते हैं कि फलां मसला, उनको पता भी नहीं होता किस मसला का ये मौलाना साहब है, फिर कहते हैं फलां मसला का जो मौलाना साहब है उसने ये कर दिया है, यानी कि इतनी जलाली बयान किया है, उनकी दस्तार उनकी कैब भी उड़ रही थी गिर रही थी, ये फलां है। यानी आवाम बहुत बड़ा इसको इश्यू बना के लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करती है। याद रखिएगा खिताबत नबी पाक अली सलातो वसलाम की ये मिंबर के ऊपर बैठकर अगर हुजूर के अहकामात को मद्देनज़र रखकर खिताबत ना की जाए तो कोई खिताबत खिताबत नहीं है, ना ही अवाम मुतासिर होगी। नुकसान ये होगा अवाम मुतनफ़िर हो जाएगी, दीन से दूर हो जाएगी, बयान भी नहीं सुनेगी, करीब भी नहीं आएगी। अपने अंदाज़े बयान को खुदारा ठंडा रखो और अपने ही अंदाज़े बयान के अंदर कोशिश करो अपने अमाल की चाशनी रखो। जितनी अमाल की चाशनी होगी उतनी ही बयान के अंदर जनाब मिठास पैदा होगी, तासीर पैदा होगी। इस वीडियो को इतना शेयर करो इन मौलाना साहब तक ये वीडियो पहुंच जाए और अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लें। अगर वो अपने आप को चेंज कर लेंगे शेयर करने वाले के भी नामे अमाल में सवाब लिखा जाएगा। इस वीडियो को शेयर करने के बाद इन मौलाना साहब के बारे में वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। और इस वीडियो पे न्यू हैं, मेहमान बनकर आए हैं, तो आप हमारे कदरदान मेहमान हैं, हम आपकी कदर करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि हमारी इस तरह की न्यू वीडियोज़ आप तक बाकायदा पहुँचती रह जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।